क्या चक्कर है? क्या ये वन सबसे स्लो वाली स्पीड है? चलो 4 पे चला के देखते हैं। इस पंखे में और जो ट्रेडिशनल हमारे पास फैंस होते हैं 220 वाले, 80 वॉट के, 90 वॉट के, उसकी और इसकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप ये मेरे ऊपर देख सकते हैं, ये एक डीसी फैन इंस्टॉल हुआ हुआ है। ये क्यों इंस्टॉल हुआ है, इसकी वजह क्या है, और ये ट्रेडिशनल फ़ैन को मैंने निकाल के ये डीसी फ़ैन क्यों इंस्टॉल किया है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमारे ट्रेडिशनल 220 वोल्ट के फ़ैन्स हैं, ये मैंने इंस्टॉल किया था, इसको मैंने भी उतार दिया है, बिल्कुल सही चल रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जस्ट पर्पज़ सिर्फ एक था कि इसको निकाल के इस फ़ैन को लगाने का, कि हम किस तरीके से जो है वो बिल में बचत कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसके इंस्टॉलेशन बताऊंगा। बाय द वे, ये खुर्शीद वालों का एसी डीसी हाइब्रिड फ़ैन है जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है, जो मेरे आप ऊपर देख सकते हैं। ये बेसिकली 56 इंच का फ़ैन है और बिल्कुल इसकी रिप्लेसमेंट में मैंने लगाया है, और उसका लगाने का मकसद ये है कि पावर कंजम्पशन में जो है वो रिडक्शन है, कि हम किस तरह अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना है, इसकी थोड़ी अनबॉक्सिंग वगैरह, इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं वो आप लोगों को बताऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा इसकी कंप्लीट टेक्निकल डिटेल्स, जो हम प्रैक्टिकली फाइंड आउट करेंगे इसकी कितना एम्पेयर ये लेता है, कितनी पावर ये ले रहा है, और कितनी हम इसमें जो है वो बिल में बचत कर सकते हैं इस फ़ैन को इस्तेमाल करके। तो टू पार्ट ऑफ वीडियोज़ होगी। ये वीडियो को आप बिल्कुल अगर एंड तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इस फ़ैन को इंस्टॉल कैसे करना है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको टेक्निकल डिटेल्स बताएंगे कि कितना फ्रूटफुल साबित होगा ये हमारे लिए अगर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये है मेरे पास अभी खुर्शीद फ़ैन, ये जो है वो एसी डीसी फ़ैन है। अभी मैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा, फिर इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे, थोड़ी वायरिंग के बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा। ये इसका बॉक्स है खुर्शीद फ़ैन का, अभी आपको थोड़ा इसका क्लोजअप भी दिखा देता हूँ, अनबॉक्सिंग भी करेंगे, देखेंगे इसके अंदर क्या क्या है, और इसकी इंस्टॉलेशन अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये देखें, ये देखें जी, ये है खुर्शीद फ़ैन। इसका ज़रा बॉक्स का ओवरव्यू आप लोगों को दिखा दूं। ये बेसिकली आई थिंक 56 इंच में है ये मॉडल। ये इसकी बॉक्स की आपको स्पेसिफिकेशन वगैरह जो लिखी हुई है इसमें, इसकी जो करंट प्राइस है वो बॉक्स पर ही मैंशन है, 5,500। डीसी इन्वर्टर हाइब्रिड फ़ैन ये लिखा हुआ है इस पर। अच्छा, ये क्या है, यूपीएस पर लंबा टाइम, ये सारी इसकी वो है स्पेसिफिकेशन है, और ये इसका जो है वो शेप है। अच्छा जी, ये आपको ये दिखा दिया। अच्छा जी, इसको मैंने ऑलरेडी खुलवाया हुआ था क्योंकि चेक करना था मुझे, बट ठीक है, अभी मैं आपको चीज़ें वैसे ही मैंने रखवा दी थी। चलें जी, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास। गर्मी वही बड़ी शदीद हो रही है, पंखा जो है वो जल्द से जल्द लगाना है मुझे। अच्छा, ये सी कैनोपी है जो ऊपर लगती है। अच्छा जी, ये पहले देख लेता हूँ क्या है। ये इसका वो पाइप है, देख सकते हैं आप, ये पौने का पाइप है 3/4 का, इसको साइड पर रखते हैं। ये इसकी असम्बली है, इंस्टॉलेशन असम्बली, जो हैंग होता है ये ऊपर कुंडे में, वो है ये। अच्छा जी, इसके अलावा ये इसका रिमोट है, ये आप लोगों को दिखा दूँ, ये इसका रिमोट है, और ये इसका वॉल ब्रैकेट है रिमोट का। इसके अलावा अब ये निकालने जा रहे हैं पंखा, अंदर और बॉक्स में कुछ भी नहीं है। बाहर आ जा, ये है बस, इसी तरह रख देते हैं इसको, और ये पंखे को निकाल लें भैया हम। ये जी आ गया मॉडल बाहर। अच्छा जी, ये फ़ैन है, ये इसका जो है वो डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। अभी इसको खोलेंगे, इसकी वायरिंग वगैरह चेक करेंगे, इसका भी पाइप इंस्टॉल करेंगे, इसको भी रख देते हैं साइड पे। अच्छा जी, ये आ गई इसकी पंखड़ियाँ, इसको भी ओपन कर लेते हैं। इसके पंखे आ गए बाहर, पंखड़ी हैं, ये देखें जी, ये पंखड़ी का साइज है।
पंखड़ियाँ आ गई हैं। ठीक है, ये इसकी अनबॉक्सिंग हो गई, अब इसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं इसकी इंस्टॉलेशन। चलें जी, इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो ये कैप है ये उतारेंगे हम। ये आप देख सकते हैं एक नट लगा हुआ है, इस नट को खोलेंगे पहले हम। ये भाई नट लूज करके इसको बाहर निकाल लेना है, ये ऐसा ही लूज नहीं हुआ, और लूज कर लेना इसको, ये बिल्कुल बाहर आ जाएगा नट। ये नट बाहर आ गया, इसको निकाल लें, इसको रख दें अभी साइड पर। ये है इसके टोटल, इसके इंटरनल्स ये देखिए जी। सबसे पहले इसको ज़रा समझ लें हम। ये जो है इसका जो मेन सर्किट है जो 220 को 12 वोल्ट करेगा, जो भी मोटर के डिज़ायर्ड वोल्टेज होंगे उसमें जो कन्वर्ट करेगा, ये सर्किट इसका अंदर ही है। ये इसकी एक सर्किट की हाउसिंग बनाई हुई है इन्होंने, इसमें ये बनाया लगाया हुआ है सर्किट, और इसके ऊपर जो है वो इन्होंने कनेक्टर दिए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो AC 220 वोल्ट इसमें मेंशन है बाकायदा, AC 220 वोल्ट। यहाँ पे आप जो है 220 वोल्ट की वायरिंग करेंगे, और ये जो है यहाँ पे जो है वो आप 12 वोल्ट की वायरिंग करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है DC 12 वोल्ट, ये देखें ये DC 12 वोल्ट लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो ब्लैक वायर है वो नेगेटिव के लिए है, और जो रेड वायर है वो पॉजिटिव के लिए, जो कि एक स्टैंडर्ड है DC वोल्टेज का। तो अब इसकी हम वायरिंग स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही सिंपल वायरिंग है, ये आपको मैं दिखाता हूँ करके अभी। अच्छा, एक जो है वो मैं AC वायरिंग के लिए ज़रा छोटा तार ले रहा हूँ, ये तकरीबन कोई 1.5 मीटर के करीब होगा, क्योंकि सीलिंग में भी तार है ऊपर, तो ये तार छोटा ले रहा हूँ। अच्छा, इस तार को जो है वो मैं ये इसमें से गुजारूँगा, यहाँ से गुजार के यहाँ से निकालना है इस तार को, बल्कि इसकी अपोजिट साइड जो है AC वाली साइड, क्योंकि AC का तार है, तो मैं इसको यहाँ से गुजार के यहाँ पे निकालूँगा इस होल के ज़रिए। जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही तार निकालेंगे हम, ज़्यादा एक्स्ट्रा तार नहीं निकालेंगे। और ये जो कनेक्टर हैं, इस कनेक्टर में अब ये जो तार हमने निकाला है वो यहाँ पे लगा देंगे। ये AC 220 की वायरिंग कर दी है, मेक श्योर कर लेंगे ये अच्छी तरीके से, इसके अंदर जो है वो लॉक हो चुका है वायर। तो ये 220 वोल्ट AC की हमने वायरिंग कर दी है। अब एक मैं ज़रा लंबा तार लूँगा ये DC के लिए, ये तकरीबन मैंने 20 फिट का तार लिया है, क्योंकि ऊपर से ये नीचे तक आएगा, नीचे बैटरी रखी जाएगी, तो ये काफ़ी लंबा तार है, ये 20 वोल्ट का है। ये भी मैं 170-76 का तार यूज़ कर रहा हूँ, बट ये कि रिकमेंड मैं करूँगा अगर 110-76 का तार है तो वो आप लगाएं, वो ज़्यादा जो है वो वोल्टेज को सही मेंटेन करेगा, वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा उससे। तो अब ये मैं 12 वोल्ट के लिए वायरिंग कर रहा हूँ, तो इसके अपोजिट साइड जो है वो यहाँ से हम डालेंगे इसको, और इस होल से निकालेंगे, क्योंकि 12 वोल्ट की वायरिंग यहाँ पर है। ये ध्यान में रखिएगा कि तार मिक्स ना हो, ऐसा ना हो कि वायरिंग आप कर रहे हो तो थोड़ा सा आप इसमें रद्दोबदल करते हैं। तो मैंने जो अपनी निशानी रखी है, लंबा तार जो है वो 12 वोल्ट का है, और छोटा तार जो है वो 220 का है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, जब 12 वोल्ट की हम वायरिंग कर रहे होंगे तो इसमें जो ब्लैक वायर है उसको ब्लैक से ही मैच करिएगा, और यहाँ पे खैर रेड नहीं है जो मैं तार लगा रहा हूँ, यहाँ पे ब्राउन वायर है, तो मैं ब्राउन को रेड से मैच करूँगा। तो जब हम इसको नीचे बैटरी में कनेक्शन कर रहे होंगे तो हमें ख्याल करना पड़ेगा कि ये ब्लैक वाला जो होगा नेगेटिव होगा, ये ब्राउन वाला जो है वो पॉजिटिव होगा, तो इस चीज़ का जो है वो लाजमी ख्याल रखना है। अच्छा जी, ये वायरिंग हमने कर ली है दोनों, 220 की भी और 12 वोल्ट की भी। अब जो है वो इसके ये पाइप की इंस्टॉलेशन होगी। एक तरफ जो है इसके चूड़ी है, थ्रेड्स हैं, और एक तरफ सादी है, तो थ्रेड्स वाली जो है वो इसमें जाएगी। तो सबसे पहले ये जो दो तार हैं इनको इसमें डाल देंगे हम, इन दोनों तारों को। ये 220 का सिरा निकाल रहा हूँ मैं,
और ये 12 वोल्ट का ज़रा काफ़ी लंबा तार है, और ये 12 वोल्ट का सिरा डाल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये दोनों तार निकल गए। इसमें जो है ये पिन दी हुई है, ये पिन है इसकी, ये पिन हमें निकालनी है, तो पिन को निकाल लेंगे हम। ये लॉकिंग पिन होती है कि चूड़ी जो है वो स्लिप ना हो। ये देखें जी, ये पिन निकाल ली है, और अब हम जो है वो उसको थ्रेड को इसमें टाइट कर देंगे, और एग्जैक्टली उस जगह पे थ्रेड को रोकेंगे जहाँ पे होल मैच कर रहा होगा, ताकि हम पिन डाल सकें। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है शुरू में, क्योंकि कलर हुआ हुआ होता है तो ज़रा मुश्किल से घूमता है ये, बट ये क्या अब ईजिली घूम रहा है। ये थ्रेड्स टाइट हो रही हैं, हमें एग्जैक्टली वहाँ पे रोकना है थ्रेड्स को, ताकि ये होल मैच हो जाए और पिन हमारी अंदर चली जाए। अच्छा, ये थ्रेड के होल से होल मैच हो गए यहाँ पे, यानी इसका होल और इसका होल, ये दोनों मैच हो गए। अब हम इस पर पिन डाल देंगे, इस पिन को वापस डाल के इसको खोल लेंगे ताकि वो सिक्योर हो जाए। ये देखिए जी, ये बहुत ज़रूरी है पिन लगाना। ये हमने पिन लगा दी है इसमें, ये पिन डाल के इसको यहाँ से पीछे से मोड़ दिया, और ये इसका जो है वो सिक्योर हो गया है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं इसमें मेंशन करना भूल गया था, यहाँ पे एक नट दिया हुआ है, ये नट जो है वो लगाना है। तो ये नट जो है वो मैंने दोबारा लगाया इसको खोल के, तो ये जस्ट जो है ना इसको पिन तो पिन से तो सिक्योर हो गया, बट ये नट से जो है ना ये बिल्कुल ये टाइट हो जाएगा, ये जो है वो चीज़ मूव नहीं करेगी फिर। अब ये इसकी जो कैनोपीज हैं, ये हम वापस लगा देंगे दोबारा तारों को इनमें से गुजार के। और ये टॉप सीलिंग वाली कैनोपी, ये भी लगा देंगे, ये ऐसे लगेगी इस पोजीशन में। अब यहाँ पे जो है वो हैंगिंग ब्रैकेट जो है ये इंस्टॉल करेंगे हम। तो अब ये हैंगिंग असम्बली जो है ये इंस्टॉल करनी है हमें। इसमें ये पिंस लगी हुई हैं, ये पिंस निकाल लेंगे। ये दोनों तरफ पिंस निकाल ली हैं, और इसको यहाँ से खोलेंगे। और ये इस पर ऐसे इंस्टॉल हो जाएगी। अब ये जो है वो पिन इसमें डाल देंगे ये। ये पिन इसमें आ जाएगी, और इसको घुमा देंगे पिन को। काफ़ी बारीक पिन है, हाथ से ही घूम गई। ये देखें जी, पिन डाल के घुमा दिया इसमें। अब इसको निकाल लेते हैं, अब ये ऊपर जाके इंस्टॉल होगी। ये रबड़ इसमें से निकल जाएगी, अब ये ऊपर ही जाके इंस्टॉल होगी। अब जो बारी है वो परों के लगाने की है। ये यहाँ पे बोल्ट दिए हुए 3 पर लगेंगे, और मुझे यहाँ पे ऐसे ही कोई नंबरिंग वगैरह नज़र नहीं आ रही है बॉडी पे भी, और अगर मैं परों को चेक करूँ तो परों पे भी मुझे कोई नंबरिंग नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब है कोई भी पर हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। और परों की जो डायरेक्शन होगी, ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये जो है वो नीचे होगा, यानी कि ये नीचे ज़मीन को फेस करेगा, ये वाला जो है ऊपर छत को फेस करेगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। तो अब इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे परों की,
और इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ ये दिखा दूँ कि ये इसके नट इसमें लगे हुए हैं, और मेक श्योर के ये कट स्क्रू इसमें लाजमी हो। ये आप देख सकते हैं ये कट स्क्रू है, ये कट स्क्रू लाजमी होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। कट स्क्रू का मकसद ये होता है जो हम चूड़ी टाइट करेंगे वो उसको होल्ड करेगा, उसको रिवर्स नहीं करेगा चूड़ी को। तो नट ये कट स्क्रू लाजमी लगाइएगा और फुल टाइट करेंगे इसको हम। अभी ये परोग इंस्टॉलेशन आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये इसमें एक सेपरेटर टाइप समझ लें इसको, सेपरेटर दिया हुआ है, ये इसमें लगा रहेगा और इस पर को हम इस पोजीशन में लगाएंगे। ये साइड छत को फेस करेगी, ये साइड जो है वो ज़मीन को, बॉटम को। तो इस पोजीशन पे रख के नट लगा देंगे। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से फुल टाइट कर लेना है, जितना टाइट हो सकता है उतना टाइट कर लें ताकि जो कट स्क्रू है वो पूरी तरीके से प्रेस हो जाए। तो ये फुल टाइट हो गया। अब इसी तरीके से हम जो है वो तीनों पर लगा लेंगे। अच्छा जी, तीनों पर इंस्टॉल हो चुके हैं और इसको मेक श्योर कर लिया है कि ये सारे बोल्ट जो हैं वो फुली टाइट हों। तो अब जो है वो इसकी जो है वो इंस्टॉलेशन होगी छत पे। और ये मैं बता दूँ आपको, ये जो कुंडा होता है ये किस तरीके से लगता है, ये इस तरीके से जो कुंडा होता है ये कुंडे के अंदर जाता है और ये रबड़ ऊपर से लग के इस तरीके से ये रबड़ इसमें जाएगी और ये कुंडा इसके अंदर ऐसे आएगा, ये कुंडा ऐसे आएगा, इसको हैंग कर लेगा और ये रबड़ लग के इसमें बोल्ट आर पार हो जाएगा। तो अभी मैं इसकी इंस्टॉलेशन करता हूँ। अच्छा जी, ये इंस्टॉलेशन कर दी है फ़ैन की। ये आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ से जो है वो पहले इसको ज़रा फोकस कर लूँ, यहाँ से इसको उठा के इसमें रबड़ डाल के इस बोल्ट को आर पार कर दिया है इन दोनों परेटों के, और इस रबड़ के आर पार होके फिर हमने इसको नट को फुल टाइट किया और इसमें अंदर ये पिन डाल दी और इसको भी फिर हमने फुल टाइट कर दिया। तो ये इसकी इंस्टॉलेशन हो गई। और आगे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी वायरिंग कर दी है 220 वाली। और नीचे से ज़रा मैं आपको दिखाता हूँ, और ये जो वायरिंग आ रही है ये वाली, ये वाली वायरिंग जो आ रही है ये 12 वोल्ट वाली है। फोकस कर लूँ ज़रा मैं, ये 12 वोल्ट वाली है, वायरिंग को मैंने नीचे उतार दिया यहाँ पे। तो इसको मैं फ्यूचर में इंशाल्लाह बैटरी से कनेक्ट कर दूँगा। तो ये इस पंखे की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। बस इस कैनोपी को जो है, इस वाली कैनोपी को ऊपर करना है, और ये 220 के कनेक्शन हो गए। अब इसको हम ऑन करके देखेंगे और इसकी फैन से स्पीड को रेगुलेट करके देखेंगे पंखा कैसा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा जी, फ़ैन हमारा माशाल्लाह से सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। अब जो है हम इसको ऑन करेंगे, और ये रिमोट है, ये आप देख सकते हैं, इस पर कुछ लिखा हुआ भी है। ये देखें आप इस पर क्या लिखा हुआ है, ज़रा पढ़ लेते हैं। अच्छा, इस पर लिखा हुआ है, रिमोट को पंखे से अटैच करने के लिए पंखा ऑन करके फ़ौरन बाद रिमोट पर बना ऑफ का बटन, बीप की आवाज़ 2 दफ़ा आने तक दबा के रखें, रिमोट पंखे के साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा जी, मतलब ये कि जैसे ही ये पंखे को हम ऑन करें तो ये ऑफ़ का जो बटन है, इसका ऑफ़ का बटन, इसको दबा के रखें हम, 2 दफ़ा बीप आएगी
तो ये इसके साथ पंखा सिंक्रोनाइज हो जाएगा रिमोट के साथ, यानी कि मैच हो जाएगा, फिर हम इसको रिमोट को इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। तो चले बिस्मिल्लाह करके ऑन करते हैं इसको और देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है वो इसको ऑन करने के बाद क्या मिलता है हमें, ऑन होता है नहीं होता है, देखते हैं। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये स्विच ऑन हो गया और ये कह रहा है दो दफ़ा ऑफ का बटन दबाएं। भाई दो दफ़ा तो क्या, तीन चार दफ़ा आवाज़ आ गई मुझे टी 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 की। तो चलिए अब ये एक पे मैंने चलाया इसको, माशाल्लाह भी चल गया सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अभी इसकी स्पीड चेक करेंगे, इसमें रिमोट में आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, 1, 2, 3, 4 एक ये है और बाकी क्या है, स्मार्ट है, 3 आवर 6 आवर 9 आवर ये इसमें चीज़ें मेंशन है। तो ये देखते हैं इनके क्या फंक्शन हैं। ये 1 पे तो बहुत स्लो चल रहा है, क्या चक्कर है, क्या ये 1 सबसे स्लो वाली स्पीड है। चलो 4 पे चला के देखते हैं। अब मैंने इसको 4 पे कर दिया, देखते हैं ये 4 पे क्या स्पीड देता है हमें। ओए होए होए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वाह भाई स्पीड तेज़ है माशाल्लाह इसकी। इसके नीचे थोड़ा सा टिल्ट करके आपको दिखाऊं ताकि मैं भी तो नज़र आऊँ ना पंखे के नीचे। अच्छा जी, ये मैं आपको एक ऑनेस्टली बता दूँ, मैं फैन के नीचे खड़ा हूँ और स्पीड इसकी जो है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा है, बस मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी हवा मुझे लग रही है। अभी आप देख सकते हैं मैं पसीने पसीने हूँ और माशाल्लाह मुझे काफ़ी अच्छी हवा लग रही है। मतलब इस पंखे में और जो ट्रेडिशनल हमारे पास फैन होते हैं 220 वाले, 80 वाट के, 90 वाट के, उसकी और इसकी आवाज़ मुझे कोई फ़र्क नहीं लग रहा। थोड़ी सी स्पीड मुझे इसकी कम लग रही है जो नॉर्मल फैन होते हैं, बट ये कि स्पीड का कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि ये मैंने चार्ज भी किया हुआ है, फुल स्पीड है इसकी चार्ज, आई थिंक फुल ही होगी जब एक पे इतना स्लो चल रहा है। 3 पे देखते हैं। अच्छा रिमोट का मैं बता दूँ, रिमोट में इसमें ट्रिपल ए सेल लगते हैं, ये ट्रिपल ए वाले सेल हैं इसमें, ये ट्रिपल ए वाले सेल लगाए हुए हैं। और ये 3 पे स्पीड कम हो गई है, 2 पे डेफिनेटली और कम हो जाएगी स्पीड, हाँ डेफिनेटली कम हो गई, और अगर मैं 4 पे करता हूँ तो 4 पे इसकी जो है वो फुल स्पीड है। तो ये थी दोस्तों ये AC-DC फैन की इंस्टॉलेशन। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताया इसके इंस्टॉलेशन का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इसको टेक्निकली पूरा हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि कितना एम्पेयर लेता है, इसकी फ़ैन स्पीड क्या है और कितने RPM पे ये ऑपरेट हो रहा है। तो ये सारी इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इसको लेना जो है वो फ़ायदेमंद है कि नहीं। अगर मैं इसको एक ओवरव्यू आप लोगों को अभी बता दूँ इंस्टॉलेशन के बाद, तो एक डिसेंट स्पीड है इसकी जो मुझे भी समझ में आ रही है, और बिल्कुल वही एक एहसास हो रहा है जो एक ट्रेडिशनल जो फ़ैन हम लगाते हैं 220 वोल्ट का, 100 वाट्स का या 90 वाट्स का समथिंग जो उसकी पावर होती है, तो उसकी जो स्पीड होती है जितनी हवा थ्रो वो करता है तकरीबन ये भी उतनी ही हवा थ्रो कर रहा है। बस ये है कि इन फैंस का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ी पावर हमें कम देता है। अब कितनी कम देता है इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का, तो उस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।